या एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग भी मेरे बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं। आप उन्हें देखकर भी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आज कुछ ऐसे टिप्स हैं जो शायद आपके बिल्कुल काम आए। छोटे छोटे टिप्स हैं, जॉब से बड़ा परेशान रहते हैं लोग बाग, और उनकी क्वेरीज भी आती है कि जॉब छूट गया या जॉब में संतुष्ट नहीं है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, आपका ड्रेसअप भी उसमें मैं मेंशन करूँगी। कुछ लोग अपने शूज जो हैं वो फट गए हैं या पुराने हो गए हैं, डिसकलर हो गए हैं, उनको कंटिन्यू करते हैं, पहनते रहते हैं। शूज़ को क्योंकि शनि माना गया है और शनि का जो इफेक्ट है, और शनि भी हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, जॉब का जो कारक है वो शनि ही है। तो अगर आपके शूज जूते वो फटे हुए टूटे हुए इस तरह के अगर होंगे तो वो शनि उससे नाराज अवश्य होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि शूज आपको किसी भी सूरत में बेकार गंदे नहीं पहनने हैं, ड्रेसअप भी आपका बेस्ट होना चाहिए। तो ये जॉब के लिए आपकी जो क्वेरी आती है कई बार, तो उसका सॉल्यूशन है आपको। फिर कभी कभी ये क्वेरी आती है कि माइंड बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, इसमें हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग राहु को इसका कारण मानते हैं। घर में अन्य वास्तु के दोष हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा जो दोष है वो आप क्रिएट कर देते हैं। कौन सा है? राहु हमेशा टॉयलेट सीट या बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम या फिर सीढ़ी या स्टेयर्स, वहां पर वह जो राहु है उसका एग्जिस्टेंट होता है। यदि आप जल्दबाजी में, जैसे आपने स्नान किया या टॉयलेट होके आए और गंदा ही छोड़ दिया आपने, तो इससे क्या होता है, राहु का दोष उत्पन्न हो गया। इसके अतिरिक्त आप बाथरूम को नहाने के बाद में साफ बिल्कुल नहीं करते, तो वो भी एक वास्तु दोष तो होता ही है, साथ में राहु का जो इफेक्ट है वो भी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। तो कभी भी भूल कर भी ये गलती नहीं करें। उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल घर में रह रहे हैं और आपके सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, वो गंदी अगर पड़ी रहती है, इसका भी इफेक्ट राहु के साथ में आपकी लाइफ में आता है। राहु क्या करता है, डिप्रेशन दे देता है, एंजाइटी दे देता है, आपके दिमाग को बड़ा डिस्टर्ब कर देता है, सोचने और समझने की जो शक्ति है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो उसका माइंड पर क्योंकि असर हो जाता है, तो आप गलत निर्णय लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसका उपाय जो है सबसे सुंदर सरल है, टॉयलेट को आप बिल्कुल क्लीन करिए, नहाने के बाद में बाथरूम को बिल्कुल वाइप आउट कीजिए, साफ कीजिए, स्टेयर्स है तो उसको भी आप क्लीन रखिए, वहाँ किसी तरीके का कूड़ा कचरा या उसके नीचे स्टोरेज वगैरह बिल्कुल नए बनाइए, वरना वही राहु का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप इस तरह से जो शावर है आपका उस पे कोई ना कोई फ्रेग्रेंस का जो है वो इस तरीके से लटका दीजिए। फ्रेग्रेंस का जरूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उससे राहु हमेशा घबराता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों की फिश टैंक रखने की बड़ी इच्छा होती है और वो रखते हैं। फिश बड़ी चंचल होती है, उसको अगर आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख लिया है तो आपका जो मस्तिष्क है बड़ा चंचल होगा, निर्णय लेने में आप हमेशा जल्दबाजी करेंगे। तो कभी भी भूल कर भी फिश टैंक को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखिए। इसके अतिरिक्त मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि भूल कर भी वॉशिंग मशीन जो अक्सर कर लोगों का वहां पर अगर पॉइंट है तो वहां पर वो रख देते हैं, इसका असर होगा घर में किसी न किसी तरीके का वाद विवाद। नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो उसका आपके माइंड पर इफेक्ट होगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन का क्या कार्य है, वॉश आउट करना। तो आपके दिमाग में जो भी आइडियाज होंगे, जो भी आप सोचना चाहेंगे, वो वहां पर वॉशिंग मशीन के कारण से वॉश आउट हो जाएंगे। अब जैसे कपल है 35 से जो कम एज वाले हैं, यंग जो जनरेशन है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट इस वॉशिंग मशीन का होगा। तो वॉशिंग मशीन को यहाँ नए रखिए, इस क्षेत्र को आप बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन रखिए, क्योंकि ये हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ का आप बड़ा ही ध्यान रखिए। दूसरी चीज़,
आपका माइंड अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका सबसे सीधा सरल उपाय है, आप सिल्वर के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर सिल्वर का कोई ना कोई आइटम आप अपने गले में या हाथ में कहीं भी आप धारण करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। अब आइए, लेन देन का जो व्यवहार है वो आपस में परिवारों में होता है या आस पड़ोस में भी होता है। अब लेन देन में जैसे संध्या का समय है तो उस समय आपको ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जैसे दही जो है उसको कभी भी नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी आप जैसे अचार, खट्टे पदार्थ, ये भी आप किसी को गिफ्ट में न दीजिए, क्योंकि अचार जो होता है खट्टापन होता है उसके अंदर, इसका जो इफेक्ट है आपके रिश्तों में भी उसमें खटास लेकर आ सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब देखिए, शनि का इफेक्ट आपकी लाइफ में आता जब है तो वो किस तरह से आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। शूज एक सभी रखते हैं, शूज कुछ घर के अंदर खोले जाते हैं, कुछ बाहर की तरफ। सूर्य अगर है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको भी ऑर्गेनाइज रखिए, क्लोज अगर है बेस्ट है। अगर ओपन शूज आपने रख रखे हैं तीतर बीतर, जैसे एक मैंने वीडियो बनाया था सूर्य के ऊपर भी, तो आपको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है। अगर बिखरे हुए हालत में जूते होंगे तो पड़ोसियों के साथ में आपके जो संबंध है, रिलेशन है, वो बिल्कुल बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, मधुर बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव, क्योंकि सैटर्न होता है वो रिश्ते बिगाड़ने में आपकी ये भूमिका, आपके जो शूज बिखरे हुए हैं या शूज जो ओपन में रखे हुए हैं उसकी बड़ी भूमिका आपकी लाइफ में आ जाती है, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए। एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए, शुक्र वीनस, इसे सफ़ेद रंग जो है बड़ा पसंद है। फ्रेग्रेंस का आप इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, इससे शुक्र बड़ा प्रसन्न होता है। दूसरा, आप वाइट जो बेडशीट है वो अपने बेड पर लगाना शुरू कीजिए। वाइट जो होता है, ऑफ वाइट या वाइट, ये शुक्र का ही कलर होता है। आप शुक्रवार के दिन अपनी बेडशीट जो रूम में ज़रूर बदलिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।